देखिए आज मैं आपको एक सूत्र बताने जा रहा हूँ जो एक बहुत बड़े संत ने कहा था, वो ये कि अपनी पत्नी का झूठा खाना सीखो। पत्नी का झूठा खाना, कई लोग इसको बहुत गलत वे में लेंगे, पर परिवार आज हमारा बहुत खुश है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं ये मानती हूँ कि हम घर पे सब साथ में मिलके खाना खाते हैं। मैं मेरी सास का झूठा खाती हूँ, वो मेरा खाती है, फादर इन लॉ का, हम हस्बैंड वाइफ। झूठा खाना मतलब ये नहीं कि कोई झूठा बचा दे तो वो खा लो, पर साथ में बैठ के शेयर करना, उस टाइम को अपने आपस में बिताना या फिर उस टाइम खाना खाना, शायद इसी वजह से हमारे घर पे सबकी बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी है, टच वुड। मेरे फादर इन लॉ कभी भी खाना खाते हैं और मुझे खाने का मन करता है तो मैं एक कौर निकाल के खा लेती हूँ, तो इतना हक उन्होंने मुझे दिया है। बहुओं को गलत कहना, बहुएं गंदी हैं, ये सब कुछ आज के टाइम पे मुझे लगता है नहीं है। हम जो भी सीखते हैं बड़ों से सीखते हैं। मेरी सास ने आज तक बाहर मेरी बुराई नहीं की है तो मैंने भी वही सीखा है। हमारे घर पे कोई भी बात होती है हम आपस में सुलझा लेते हैं, उनका मुंह बनता है मैं पूछ लेती हूँ, मेरा मुंह बनता है वो पूछ लेती है, इसलिए हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो आपसी प्रेम जितना ज़्यादा होगा घर उतने ज़्यादा सुखी होंगे। मैं नहीं कहती हर सासें बुरी हैं या फिर हर बहू अच्छी है, पर बड़ों से ही हम छोटे सीखते हैं। बहुओं को ही गलत ठहराना गलत है।